जहानाबाद के 35वें एसपी के रूप में 2018 बैच के आईपीएस ऑफिसर अरविंद प्रताप सिंह ने आज पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व उन्होंने समाहरणालय परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी भी ली। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि अपराध पर अंकुश के साथ साथ विधि व्यवस्था का संधारण भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि जिले में बेहतर पुलिसिंग के लिए न सिर्फ वरीय पदाधिकारी बल्कि कांस्टेबल तक को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में अपने बेहतर कार्यकाल के लिए प्रसिद्ध एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने आम आवाम से भी अपील करते हुए कहा कि कोई भी विभाग बिना आम लोगों के सहयोग के अधूरा है। ऐसे में अगर किसी भी व्यक्ति को पुलिस की जरूरत है या कुछ बताना है तो उनके फोन पर कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इधर इस मौके पर उन्होंने जिले के वरीय अधिकारियों से परिचय भी प्राप्त किया। वहीं बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। यहाँ पर पदभार ग्रहण किया है और मेरा प्रयास यही होगा कि जो गुड प्रैक्टिसेस यहाँ पर चल रही थी उनको मैं जान लूँ और उनको कंटिन्यू किया जाए। इसके साथ ही साथ किसी भी एसपी की जो प्राथमिकता होती है वो अपराध नियंत्रण के साथ साथ विधि व्यवस्था का संधारण करना, यही किसी भी एसपी के लिए प्राथमिकता होती है। और हम लोगों के पूरे प्रिकॉशन के बावजूद जो नेचर ऑफ जॉब है वो ऐसा है कि कुछ ना कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ घटती ही हैं, तो उन घटनाओं का जल्दी से जल्दी समय रहते उद्भेदन करना और गिरफ्तारी सुनिश्चित करना अगर आवश्यक है तो यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा हम लोगों के मुख्यालय स्तर से, विभागीय स्तर से, आईजी सर के स्तर से समय समय से निर्देश मिलते रहे हैं और आप लोगों को जैसी जानकारी होगी कि पिछले एक वर्ष से लगातार बिहार पुलिस में पुलिस महानिदेशक महोदय के स्तर से बहुत सारे परिवर्तन आए हैं और उन परिवर्तनों को ग्राउंड स्तर तक क्रियान्वित करने के लिए हम सभी लोग ने प्रयास किया है। तो मेरी प्राथमिकता ये भी होगी कि उन चीज़ों को हम लोग कैसे ग्राउंड तक ले जाएं और कैसे अपने सबऑर्डिनेट्स में कॉन्स्टेबलरी तक में इसका एक उत्साह भर सकें तो उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। क्या अपील रहेगा जिले वासियों से? तो यही अपील है कि हम लोगों के साथ विधि व्यवस्था के मुद्दे पर हम लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करें। अगर कोई सूचनाएँ हैं जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस है, आप कभी भी फ्री है, मेरे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर भी बिहार पुलिस की उपस्थिति बढ़ी है, वहाँ पर भी आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं और लगभग प्रतिदिन 2 घंटे 1 घंटे हम लोग मिलते भी हैं लोगों से आने के लिए। तो जितने लोग मिलेंगे उतना हम लोगों को इस ज़िले के बारे में, समस्याओं के बारे में जानकारी भी प्राप्त होगी और जो पुलिस का काम है वो जनता के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। अन्य विभागों की भी यही स्थिति है और हम लोग जनता के सहयोग से, लोगों के सहयोग से ही विधि व्यवस्था का संधारण और अपराध नियंत्रण करते हैं। तो उस सहयोग की अपेक्षा पुलिस की भी होगी और जहां पर हमारी आवश्यकता होगी 24/7 हम लोग ग्राउंड पर खड़े होंगे। थैंक यू।